सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करने जा रहे हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा सा कि रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि डाउन वैल्यू मेथड है ये। इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर जो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने पे फिक्स एसेट हमने परचेज किया वो उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस बच जाता है मतलब बैलेंस जो ब्रॉक डाउन बचता है उस पे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो गाइज इसमें होता क्या है कि जो जब हम फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा होता है, कॉस्ट भी और जो ओरिजिनल कॉस्ट है जिस पे हमने परचेज किया वो ऑब्वियसली वो तो ज़्यादा ही होगा। तो ईयर टू ईयर क्योंकि हम डेप्रिसिएशन लेस करके चार्ज करते हैं मतलब डेप्रिसिएशन को लेस करके जो ब्रॉक डाउन यानी जो फिक्स एसेट की वैल्यू बचती है उस पे हम चार्ज करते हैं, तो इस वजह से जो डेप्रिसिएशन है वो भी ईयर टू ईयर कम होता जाता है और फिक्स एसेट की वैल्यू भी कम होती जाती है। बट कम होकर डेप्रिसिएशन हम ऐसा नहीं कह सकते कि जीरो होता है, कभी जीरो नहीं होता ना ब्रॉक डाउन जीरो होता है। तो आइए सबसे पहले हम सम को रीड करते हैं। ए लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2003 ए प्लांट फॉर 80,000। ऑन 1 जुलाई 2004 इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000। ऑन 1 दिसंबर 2005 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2003 वॉज सोल्ड ऑफ द 42,000 एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वॉज परचेज एट कॉस्ट ऑफ 75,000। गाइज अब देखेंगे कि क्या क्या हमें बनाना है, करना क्या है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडिंग 8-10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एवरी ईयर अकाउंट आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 मार्च। शो द बैलेंस ऑफ अकाउंट फॉर 3 ईयर्स यानी 3 सालों के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आइए सबसे पहले हम दोबारा से फर्स्ट को लाइन को जैसे जैसे बोला है उस तरीके से हम रीड करेंगे और फिर करते जाएंगे। सबसे पहले बोला है कि ए लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2003 ए प्लांट फॉर 80,000। इसका मतलब कि 1 अप्रैल को परचेज किया है, तो 1 अप्रैल को परचेज किया है और जो फाइनेंशियल ईयर वो एंड कब होता है यहाँ पे लिखा भी है 31 मार्च। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2003 अप्रैल 1 टू बैंक। अब ये टू बैंक की एंट्री क्यों करते हैं? आई होप आप सबको मालूम होगा जब आपने जनरल किया होगा तो प्लांट अकाउंट है क्या। प्लांट अकाउंट एक फिक्स एसेट्स है और ये किस में आता है, कौन सा अकाउंट में आता है? गाइज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि फिक्स एसेट आ रहा है तो इसलिए हमने डेबिट साइड इसकी एंट्री की है। टू बैंक, टू बैंक इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम प्लांट परचेज करेंगे तो या तो बैंक से पेमेंट करेंगे या फिर कैश से करेंगे, तो इसीलिए हम बैंक या कैश से एंट्री करते हैं। तो हमने यहाँ पे बैंक लिख दिया और 80,000। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्योंकि 1 अप्रैल को ही परचेज किया है तो ये चार्ज होगा 2004 मार्च 31 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब बाय डेप्रिसिएशन क्यों लेते हैं गाइज? आप सबको मालूम होगा कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है इसकी, अगर मैं बात करूँ तो डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जैसे मैं इसकी अगर मैं जनरल बनाऊँ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट।
तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है और ये फिक्स एसेट क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे बाय साइड इसीलिए लिखेंगे क्योंकि ये टू साइड जो है ये हम प्लांट ही बना रहे हैं, जब प्लांट अकाउंट ही बना रहे हैं, फिक्स अकाउंट बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन चला जाएगा यहाँ पे बाय साइड, तो इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को बाय साइड लिखा है। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 80,000, मैं निकाल कर भी बता रही हूँ आपको, 80,000 का 10% यहाँ पे जो दिया है, 10% पूरे साल का, तो यहाँ पे क्या बच गया, क्या आया, 8,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8,000। अब यहाँ पे गाइस आप सबको मालूम है कि जो ब्रॉक क्लोजिंग क्लोज डाउन कैसे निकलता है, 80,000 में से 8,000 को लेस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2,000, ये यहाँ पे 2004 मत लिखो आप, यहाँ पे मार्च ही लिखो, मार्च मार्च 31 बाय बैलेंस क्लोज डाउन कितना आ गया, 72,000। अब हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे दोनों को, और यहाँ भी 80,000। अब जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे 2004 अप्रैल फर्स्ट, यहाँ पे ब्रॉक डाउन है, सॉरी यहाँ पे कैरी डाउन है, तो यहाँ पे ब्रॉक डाउन, तो टू बैलेंस बैलेंस ब्रॉक डाउन कितना, 72,000। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कुछ और कह रहा है इसमें, इसमें ये बोला है, देखो गाइस इसमें तो अब क्या है, पहले इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2000 इस पे, तो 2005 मार्च 31 तो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो ये बैलेंस ब्रॉक डाउन यानी इस पे डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करेंगे, तो इस पे डेप्रिसिएशन हमने निकाला तो 72,000 का 10% सेवेंटी 200 आ गया। उसके बाद हम एक बार रीड और करते हैं आगे की लाइन की क्या कुछ और कह रहा है। यहाँ नेक्स्ट लाइन है कि 1 जुलाई 2004 इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000, मतलब कि इसी साल इसने क्या किया कि एक और प्लांट को परचेज किया, और ये कब परचेज किया है, 1 जुलाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जुलाई यानी जुलाई फर्स्ट। अब जुलाई में परचेज किया है तो इसका मतलब कि जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो कितने मंथ हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो 9 मंथ का लगा, 9 मंथ का किस पे, ये जो हम 48,000 का परचेज किया है इस पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक 48,000, और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हम इसको जो ये पहले की जो मशीन है तो इसको हम फर्स्ट डेप्रिसिएशन में काउंट कर देते हैं, और जो ये सेकंड है इसको हम सेकंड, ताकि हमें पता रहे। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि
48,000 पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? तो ये लगेगा 9 मंथ का, मतलब 1 जुलाई टू 31 मार्च, 1 जुलाई टू 31 मार्च 9 मंथ होता है। तो जब से हमने परचेज किया और जब नेक्स्ट ईयर, मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो वहाँ तक, मतलब कि 1 जुलाई टू हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है कितने, 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक काउंट करेंगे हम 9 मंथ का। यहाँ डेप्रिसिएशन लगा 10% से, ये आपका 3600 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3600, यहाँ कितना आया, 10,800। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो कि यहाँ पे हम, क्योंकि अब हम क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन दोनों का चार्ज कर लिया, इस पे भी और इस पे भी, अब हम देखते हैं कि क्लोज डाउन कितना बचता है। तो 72,000 में से इसको लेस कर देंगे। पहले हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस क्लोज डाउन, 72,000 में से लेस करेंगे 7200, तो कितना गाइस बचेगा? फर्स्ट की ऐसे ही हम कर लेते हैं, सेकंड ऐसे लिख लेते हैं, कितना, 64,800, और 48,000 लेस 3600, तो कितना बच जाएगा आपका, 44,400। ये टोटल कर लिया हमने, ये इतना हमारा बच गया। अब हम क्या करेंगे कि इस क्लोजिंग बैलेंस को ब्रॉक डाउन यानी कि नेक्स्ट ईयर लाएंगे। इससे पहले हम इसको, दोनों ईयर को हम क्लोज कर लेते हैं 120, और यहाँ भी दोनों को ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 2 साइड। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हम यहाँ पे लाएंगे, टू थाउजेंड फाइव में ही अप्रैल कितना है, टू बैलेंस ब्रॉक डाउन में फर्स्ट एंड सेकंड, ये सिर्फ हमें सेम यहां लिख देना है। सॉरी, 9 भी आएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर हमें वही डेप्रिसिएशन लगाना है ब्रॉक डाउन पे। और इससे पहले हम एक बार क्वेश्चन को भी रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। अब हमने यहाँ तक का तो हमने कर लिया 48,000 का। अब नेक्स्ट करते हैं, ऑन 1 दिसंबर 2005 द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, जो हमने 1 अप्रैल को परचेज किया, इसकी बात कर रहा है, 2003 इसकी बात, वाज सोल्ड ऑफ फॉर 42,000। मतलब यह है कि जब जो हमने 1 अप्रैल तो 2003 को जो हमने परचेज किया था, अब 1 दिसंबर 2005 को वो सोल्ड ऑफ हो रहा है, मतलब उसको बेच रहे हैं, या जो ए लिमिटेड है वो बेच रहा है 42,000 में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि
क्योंकि हमें, क्योंकि ये बेच रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक तो डेट पे जरूर ध्यान देना बच्चों, कि डेट से बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि लगाना कैसे है। अब यहाँ पे क्योंकि 2005 ही लिखेंगे, क्योंकि दिसंबर में ये सेल हो रहा है, तो यहाँ पे हम दिसंबर 1st 2, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक। अब बाय बैंक क्यों लिखेंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि यहाँ पे ये बाय बैंक आया क्यों, क्योंकि गाइस मैंने अभी बताया कि जो प्लांट है वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का जो एक हमारा रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो हम सेल कर रहे हैं तो हम जा रहा है ये, तो इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो ये क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। बाय बैंक कितना 42,000 में सेल हो गया, तो यहाँ पे 48,000। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है जिस पे की सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। अब क्या ध्यान देने वाली बात है, आइए देखते हैं कि इसने बोला है कि भाई 31 दिसंबर, सॉरी 1 दिसंबर को सेल कर दिया, इसका मतलब है कि हमारे पास मशीन 2005 में, 2005 में, ये जो 2005 है इसमें कितने महीने तक मशीन हमारे पास रही, मतलब कि ए लिमिटेड के पास रही, कितने महीने तक रही ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कितने महीने तक रही, जैसे कि अप्रैल से हम काउंट करते ही हैं, क्योंकि अप्रैल में तो रही, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर में 1 दिसंबर को वो सेल कर दिया, तो दिसंबर तो काउंट होगा नहीं, इसका मतलब कि 8 मंथ तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 8 मंथ तक जो प्लांट है वो कंपनी में रही, तो इस वजह से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दिसंबर तक। तो बाय डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे भी करके बताती हूँ, ये आपका लगेगा इस पे 64,800 पे लगेगा डेप्रिसिएशन, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 64,800 पे कितना कितना हमने काउंट किया था अभी, 8 मंथ, कैसे 8 मंथ, अप्रैल टू 1 दिसंबर, तो अप्रैल 1st 1 महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक ये काउंट होगा, तो यानी 8 मंथ हो गया, 8 मंथ और 10%, तो हमारे ये डेप्रिसिएशन कितना निकल गया गाइस, 43,320, यानी 4,320 रुपीस ये हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे कि जो बहुत ध्यान से समझना है इसको, कि गाइस आप खुद सोचो कि अगर ये इस साल, मतलब कि 2005 में, 2005 में जो इसकी कॉस्ट है वो 64,800 रह गई है, और डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया कितना, डेप्रिसिएशन मतलब कि दिसंबर तक इसकी वैल्यू में इतनी फिर कमी आ गई, मतलब क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं, अब हमें ऐसा ही करना होगा ना कि जो ये इस टाइम का ब्रॉक डाउन यानी 2005 में जो इसकी वैल्यू बची है ये 64,800, उसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, क्योंकि ये दिसंबर तक इसकी वैल्यू इतने से फिर कम हो गई, तो जब हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमारा आ गया 60,480 रुपीस आ गया। अब आप खुद सोचो कि जब
इस जब ब्रॉक डाउन जब ये इस 64,800 बचा, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करने पे जो हमारा प्लांट है वो दिसंबर में जब बिक रहा है तो उसकी कॉस्ट है 60,480 रुपीज़, और जब हम सेल कर रहे हैं तो ये सेल हो रहा है कितने में, 42,000। इसका मतलब ये है कि जब हम सेल कर रहे हैं तो 60,480 रुपीज़, यानी ये जो वैल्यू अभी हमने लेस किया, इस वैल्यू से अगर ज़्यादा आएगा तब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज इससे कम होगा तब लॉस ही आएगा ना। मतलब ये है कि आई होप आपको समझ में, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इसमें। अब जैसे मैंने अभी कहा कि 64,000 बैलेंस ब्रॉक डाउन बच गया, ठीक है, मतलब जो अप्रैल है 2005 में ही इसकी वैल्यू इतनी रह गई। उसके बाद दिसंबर में जिस दिन बेचना है वहां तक का डेप्रिसिएशन लगा 4,320 रुपीज़। अब इसमें से हम जब इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू बच गया प्लांट का, मतलब 60,480 रुपये की ये वैल्यू है, मतलब उसकी कीमत इतनी है। पर हम जो प्लांट दिसंबर में सेल कर रहे हैं वो 42,000 का है, इसका मतलब कि लॉस होगा ना, लॉस आएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसमें से डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दिया जो निकाला है, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसमें से 42,000 को लेस कर दो, कितना आ गया, 08,48,541, यानी कि 18,480 रुपीज़ का ये लॉस आया। सॉरी, ये इसमें से 42,000 को लेस कर दिया और 18,480 रुपीज़ आया। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू, मतलब कि 1 दिसंबर को अगर वैल्यू इसकी 60,480 है, अगर इससे ज़्यादा में अगर सेल होता, अगर 70,000 का सेल होता, तब हम कहते कि प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि आम जनरल वे में भी है कि अगर मेरी कोई चीज कम की है और ज्यादा का बिका तभी तो प्रॉफिट होगा। तो इस केस में क्या है कि 60,480 रुपये की तो उस टाइम वैल्यू थी, बट वो बिकी कितने में, सेल कितने में हुई, 42,000। इसका मतलब कि 18,480 रुपये का ये लॉस है। तो यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे कौन से मंथ में, दिसंबर 1 में ही। ध्यान से समझना इस बात को, वाई स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। अब कितना आया हमने जो अभी किया कैलकुलेट रफ में, 18,480 रुपये। तो यहाँ हम लिख देंगे 18,480 रुपये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है, आखे और देखते हैं आगे, उससे आगे। अब इसने बोला है, हमने यहां तक का तो सम कर लिया, इसने बोला है एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वाज परचेस्ड एट कॉस्ट ऑफ 75,000। इसका मतलब ये है कि इसने 1 दिसंबर को एक प्लांट भी परचेज किया है 75,000 का, 75,000 का। यहाँ देखो ये 75,000। तो अब हम इसकी देखो, ये तो हमारा कैलकुलेशन इसकी हो गई। अब हम कैसे करते हैं, यहाँ पे तो हमने ये लिखा दिसंबर, दिसंबर 1 टू बैंक। अब मैंने ये बताया है आपको कि बैंक टू बैंक क्यों लिखेंगे, तो टू बैंक में कितने का परचेज किया था, 75,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे 75, इस पे हमारा दिसंबर से लेकर मार्च तक की डेप्रिसिएशन लगेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या आता है, क्या है कि अब देखो ये तो दिसंबर तक की सारी एंट्री हुई। अब हम यहाँ पे करेंगे मार्च 2006, मार्च 31, तो बाय डेप्रिसिएशन इसका
जो ये 44,400 का तो पूरे साल का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सेकंड मशीन डिनोट किया क्योंकि फर्स्ट मशीन हमने सेल कर दिया है, और जो ये थर्ड है जो अभी हमने परचेज किया उसको थर्ड मशीन से डिनोट करेंगे नाम, ताकि हमें पता चले। अब इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इस पे पूरे साल का 10% कितना हो गया? फोर थाउजेंड 440 रुपीज ये आ गया। अब इस पे 75,000 पे, क्योंकि दिसंबर में परचेज किया है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। गाइस, मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये बात कि कब से कब तक लगा, बहुत 90% बच्चे गलत करते हैं, तो प्लीज ध्यान से समझना। इसलिए मैं आपको रफ पेपर पे भी करके दिखा रही हूँ। अब दिसंबर में, क्योंकि 1 दिसंबर को परचेज किया तो दिसंबर भी काउंट होगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने मंथ का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा? 4 मंथ का। तो 75,000 4 मंथ और 10%, तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 2,500। इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आ जाएगा 2,500 रुपये। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन में लिख दिया 2,500। इसको दोनों को ऐड करने पे 6,940 रुपीस ये आ गया आपका। और अब हम वही था मार्च 31 बाय बैलेंस क्लोज डाउन में कितना होगा, क्योंकि इसकी तो हमारी सारी हो गई, हमारी एंट्री इसकी सारी हो गई। अब इसमें से 44,400 में से 4,440 को लेस करेंगे तो आपका आ गया 39,960 रुपीस। और 75,000 में से ये 2,500 को लेस कर देंगे तो ये आ गया 72,500। इन दोनों को ऐड करने पे आपका आ गया 1,12,460 रुपीस ये आपका आ गया। और इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आ गया गाइस? 1,84,200। और क्योंकि हमारा हमेशा बैलेंस है वो इक्वल रहता है, तो यहाँ का भी आ गया 1,84,200। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि हमारे सब में ये दिया है कि 3 ईयर का हमें प्लान अकाउंट बनाना है, तो हमारा ये 3 ईयर कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3। तो अब हम यहाँ पे बस ब्रॉक डाउन, जो क्लोज डाउन है इसको ब्रॉक डाउन में ले आएंगे। कब? टू थाउजेंड सिक्स अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉक डाउन कितना है गाइस? जो ये है इसी को यहां लिख देंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है मुझे
मोटिवेशन मिलेगा इससे थोड़ा सा, कि मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।